अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड। आई एम योर मैथ्स टीचर एंड दिस इज़ योर मैथ्स बुक। स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर यूनिट मैट्रिसेस। सो अपन द पेज नंबर 144। स्टूडेंट्स, इट्स आर पेज नंबर 144। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ओके, मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है? 2, 3, -6, 0। इसका ट्रांसपोज किस तरह से फाइंड करेंगे? सो स्टूडेंट्स, लुक एट दिस। ट्रांसपोज किस तरह से फाइंड करते हैं? बहुत ही सिंपल है। ट्रांसपोज के लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स का जो भी नेम होता है उसको हम नेम एज इट इज़ लिखकर उसके ऊपर स्मॉल टी शो कर देते हैं। ये टी क्या शो करता है? कि ये ए ट्रांसपोज है। ओके, ट्रांसपोज का टी ये शो कर दिया हमने मैट्रिक्स के नेम पर। अब स्टूडेंट्स, करना सिर्फ ये है कि रॉस को कॉलम में चेंज करना है। आप सब ये जानते हैं कि इसमें रॉस और कॉलम्स मौजूद होते हैं मैट्रिक्स में। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ देखिए, रॉ नंबर 1 क्या है हमारे पास? 2, 3। तो ये जो रॉ थी इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। 2, 3 ऐसे लिखा हुआ था, इसको वर्टिकल लिख दिया 2, 3। नेक्स्ट रो क्या है? नेक्स्ट रो को भी कॉलम में चेंज कर देंगे, तो -6 and 0 हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ था, इसको वर्टिकल लिख दिया -6 and 0। रॉस को कॉलम में चेंज करना क्या कहलाता है? ट्रांसपोज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास यहाँ पर 3 रॉस हैं, 1, 2, 3। ठीक है, ए हमारे पास ये रहा, वर्टिकल लिख दिया। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है किस तरह से सिर्फ और सिर्फ रॉस को कॉलम में चेंज करना ट्रांसपोज कहलाता है? ये 2 मैट्रिसेस मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, रिमेनिंग 2 आप खुद करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।